देख रहे हैं जीसीपी न्यूज। आज हमारे साथ है पीपुल पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश संगठन सचिव अविनाश महतो। आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी पार्टी बिहार में कितने विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट उतार रहे हैं। सर, सबसे पहले आपको जीसीपी न्यूज में स्वागत। धन्यवाद सर। आपकी पार्टी पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, जो बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, सारी सीटों पर हम कसरत रोज कर रहे हैं और लगभग अभी 100 से ज़्यादा उम्मीदवारों का चयन, 100 सीटों से ज़्यादा उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है और बाकी सीटों पर भी हम चरणबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं और उम्मीद करिए कि हम बिहार के सभी सीटों पर 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। और इस बार जो बीजेपी और कांग्रेस का है, जो 70 वर्षों से राजनीति चूहे बिल्ली का ये लोग कर रहे हैं, एक जाता है तो दूसरा आता है, उसकी राजनीतिक समाप्ति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और हम बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ाकर एक बिहार को नया विकल्प देने का काम करेंगे। आपकी पार्टी सर किसी गठबंधन में जाएगी या चुनाव में अकेले लड़ेगी? नहीं, हमारा पार्टी चूंकि संवैधानिक स्तर की पार्टी है, ये फूले, अंबेडकर और जगदेव बाबू के विचारधारों से उत्प्रोत पार्टी है, इसलिए हम किसी भी पार्टी से हमारा कोई अलायंस नहीं होगा। और हम इसलिए भी 243 सीटों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं ताकि ये पूरे राज्य में यह मैसेज जाए कि हम और जो जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो राजद हो, जदयू हो या रालोसपा हो या अन्य जितनी भी पार्टियां हैं जो गठबंधन में लड़ रही हैं, वो कोई भी, बल्कि खुद कांग्रेस और बीजेपी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो भी 243 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही हैं, वो भी किसी न किसी दल के साथ गठबंधन कर रही है, लेकिन हम स्वतंत्र रूप से अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं ताकि देश और राज्य में एक तीसरे विकल्प के रूप में, कांग्रेस और बीजेपी के विकल्प के रूप में, मूल निवासी बहुजनों जिनकी आबादी 90% है, उनके बीच एक राजनीतिक विकल्प बनकर जाएंगे। आपकी पार्टी का सर मुख्य एजेंडा क्या है? हमारे पार्टी का मुख्य एजेंडा एक तो सबसे बड़ा है कि संवैधानिक बिंदु पर हम काम करने वाले हैं। अभी तक 70 वर्षों से संविधान की जो स्ट्रीम लाइन है, जो संविधान की मुख्य बातें हैं, वो किसी ने ना तो लागू किया और ना संविधान में जो लिखी बातें हैं उसको कोई मानने को तैयार है, बल्कि उसके उलट संविधान के आए दिन प्रतियां जलाई जा रही हैं, संविधान को तोड़ा जा रहा है और संवैधानिक स्तर को तार तार करके अलग अलग, जैसे 10% EWS का जो रिजर्वेशन दिया गया, संविधान के उलट चीज़ों को रखते हुए उसको आरक्षण दिया गया है। तो ये सब जो चीज़ें हो रही है, जो संविधान विरोधी हैं, उन सब चीज़ों को हम ध्यान रख रहे हैं। OBC का प्रोन्नति का मामला हो, SC ST के प्रोन्नति का मामला हो, नौकरियों में आरक्षण का मामला हो, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का मामला हो, 16-4, 16-4B और ये सब जितने भी हमारे संवैधानिक बिंदु पर जो वर्तमान की सरकारें छेड़छाड़ कर रही हैं, हम उसका प्रमुख रूप से एजेंडा बना रहे हैं। और दूसरा, जो रोजगार, जो हमारा जो युवा का जो स्थिति है, आप देख रहे हैं कि बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ रही है, हम उस रोजगार को भी मुद्दा बनाएंगे। और किसानों की स्थिति आप देश में देख रहे हैं, हमारा जो 70% लगभग देश की जो आबादी है कृषि पर आधारित है, लेकिन आज किसानों का जो हालत है वो आप देख रहे हैं। किसानों के विरुद्ध अभी भारत सरकार ने बिना कोई चर्चा किए हुए, बिना विपक्ष का सहमति के, बिना कोई चर्चा, बिना कोई डिबेट के ये जो अध्यादेश लाया गया है, जिसका आप देख रहे हैं पंजाब में, हरियाणा में और देश के विभिन्न राज्यों में इस अध्यादेश का भारी विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है और वो अध्यादेश को जबरदस्ती किसानों के विरोध के बाद भी वो अध्यादेश को लागू कर रही है और आने वाले सत्र में वो उसको कानून बनाने जा रही है। हम इसका भी मुद्दा उठा रहे हैं। और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो विकास का मुद्दा है। बिहार में आप देखेंगे कि जो विकास है, जो अन्य राज्यों का के तुलना में जो विकास का सूचकांक है, वो काफ़ी पीछे रह गया है। हम विकास को भी एजेंडा बनाएंगे। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार जो है हमेशा बाढ़ और सुखाड़ से ग्रसित है। हम जल प्रबंधन का भी मामला यहाँ उठाने वाले हैं
और 70-80 वर्षों से जो हमारा नेपाल के साथ जो समझौता नहीं हो रहा है और हमारा उत्तरी बिहार का जो 16 जिले उससे प्रभावित हैं, उसके लिए उसको भी हम मुद्दा बना रहे हैं। तो ये सब हमारे पार्टी के जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, इसको हम आगे लाने का काम कर रहे हैं। शिक्षा को भी हम उठा रहे हैं, क्योंकि जो बिहार में शिक्षा का स्थिति है बहुत ही बदतर है। जो प्राइमरी स्कूल का एजुकेशन है बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर उसका समाप्त है, सिर्फ टीचर जो है MDM में लगे हुए हैं, शिक्षा का कोई स्तर नहीं रह गया है, उसको भी हम मुद्दा बनाने वाले हैं। महिला सशक्तिकरण पर कोई काम नहीं हुआ, आए दिन आप देखते हैं हत्या और बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जो घटनाएं हैं उसमें बेतहाशा वृद्धि हुई है। तो ये सब हम मुद्दा हम लोगों ने विधानसभा में बनाया है। जी स्वास्थ्य में भी कोई खास काम नहीं हुआ है, आप जिला लेवल पर देखेंगे तो कोई कोई हॉस्पिटल में कुछ सुविधाएं बढ़ी हैं और कुछ ठीक हुई हैं, लेकिन आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाएंगे जो गांव ग्रामीण में जो ब्लॉक लेवल पर हमारा हेल्थ सेंटर है उसकी स्थिति अभी नारकीय है। वहां आज आप जब जाएंगे तो घंटे दो घंटे के बाद ही डॉक्टर आपको जिला हेडक्वार्टर में या जिले के जो मुख्य अस्पताल है वहाँ रेफर कर देगा, कोई सुविधा नहीं है, उसको भी हम इस चुनाव में मुद्दा बना रहे हैं। आप बिहार को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए बिहार में विकास की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन आप देखिए 16 जिले जो प्रभावित हैं, चाहे वो खगड़िया हो, बेगूसराय हो, किशनगंज हो, अररिया हो, इन सब जिलों में अगर नेपाल के साथ समझौता करके जल प्रबंधन का काम किया जाएगा तो पनबिजली का एक बड़ा सोर्स वहाँ पैदा किया जा सकता है। आप उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाके में जाके देखेंगे तो छोटे छोटे चेकडम बनाए गए हैं, वहाँ छोटे छोटे पनबिजली घरों का निर्माण किया गया है और उस बाढ़ और पानी को अवसर के रूप में बदला गया है। तो हम ये देखते हैं कि अगर जो 70 वर्षों से कांग्रेस और BJP या गैर कांग्रेसी दलों का जो बिहार में सरकार बनते आया है, इन सरकारों ने कभी जल प्रबंधन को ध्यान में नहीं रखा। ये जल प्रबंधन एक ऐसा नहीं है कि हमारे लिए समस्या है, इसको अवसर में भी बदला जा सकता है और उसी पानी का जल प्रबंधन करके हम दक्षिणी बिहार के तरफ पानी का मुड़ाव लाकर और चेकडम बनाकर पानी का जो है नहर बनाकर हम खेती के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते आप में काम करने का सक्रियता होना चाहिए, काम करने का सकारात्मक सोच होना चाहिए और निश्चित तौर पर अगर हमारी सत्ता आती है तो हम इन सब चीज़ों पर हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर है उस पर हम काम करेंगे। अभी आप एक लास्ट सवाल है, क्या कोरोना काल में चुनाव सही है? नहीं देखिए ये आप अभी आप देख रहे होंगे, मैं कल ही अखबार में पढ़ रहा था, कल जो है बिहार का पूरा जो केस है 1900 कुछ मामले आए हैं, लेकिन देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया इसको बिल्कुल लाइन से आउट कर दिया है। अब आप जिस अखबार में जाइएगा, जिस टीवी चैनल पर जाइएगा, सिर्फ चुनावी मुद्दा है। तो ये सरकार का एक प्रेशर है कि आप कोरोना को मामले को मत दिखाइए, लेकिन सच्चाई ये नहीं है, कोरोना आज भी है और अभी तक जो जो रिपोर्टें आ रही हैं, जो सोशल मीडिया के थ्रू रिपोर्ट आ रही है, वो लगभग इस राज्य में करीब करीब 190,000 केसेस हैं जो एक्टिव हैं और दिन प्रतिदिन नए केस आ रहे हैं। जो मैं बता रहा हूँ कि कल ही 1900 कुछ मामले आए हैं, तो कोरोना का मामला है, लेकिन सरकार इसको नज़रअंदाज करके ये चुनावी माहौल क्रिएट कर रही है और लोगों को उससे दूर किया जा रहा है ताकि चुनाव में उसका विरोध ना हो, सरकार का विरोध ना हो और उस मामले को पीछे किया जा रहा है। कोरोना का जो महामारी था उससे सरकार निपटने में विफल रही है और पूरी तरह विफल रही है। जी।